हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्लॉग। एंड बहुत दिनों के बाद वापस ब्लॉग बना रहा हूँ। ब्रेक क्यों लिया, टाइम नहीं मिल रहा था, प्लस प्रिंस की भी स्कूल्स चल रही थी तो एग्जाम्स और वो सब कुछ की वजह से वापस इसलिए चालू कर रहा हूँ कि अभी प्रिंस अवेलेबल है नहीं, तो जब घर पे रहता हूँ तो बोर लगता है, तो वो ये बोर दूर करने के लिए वीडियोस बनाऊंगा तो प्रिंस भी देखेगा एंड यस थोड़ा वापस एक्टिव भी हो जाऊंगा एंड उसके बाद वो आएगा तब भी वापस एक्टिव ही रहूंगा। सो उस तरीके का थोड़ा सा प्लान है। एंड यस आपको पीछे पेंटिंग्स दिख रही होगी, एक मिनट मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ, ये प्रिंस ने और मैंने मिलकर बनाई। तो दोस्तों ये कुछ कार्टून कैरेक्टर्स की हमने मैंने और प्रिंस ने मिलकर पेंटिंग्स बनाई हुई है। शिनचान, डोरेमोन, कजामा, बो, ये इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ग्रीन टी शर्ट वाले का पता नहीं एग्जैक्टली क्या था। सो बस यहाँ पे और थोड़े पेंटिंग्स और लगाने हैं, इस पेंटिंग को थोड़ा प्रॉपरली लगाने हैं, यू ही अभी चिपका लिए पर उसको प्रॉपरली चिपकाना है। एंड यस यहाँ पे हम बैठ के मैं और प्रिंस कभी कभी गेम्स खेलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके तो दोस्तों मैं वो भी राजीव नगर मेट्रो स्टेशन जो आकाशमन पार्टी प्लॉट के बाजू में है, मैं जा रहा हूँ अभी गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की मैच देखने के लिए मोटेरिया स्टेडियम। अब यहाँ से मैं जाऊँगा डायरेक्टली मोटेरिया एंड टिकट लेके जैसे मैं ऊपर आया तो मेरी ट्रेन अभी आ ही गई थी, तो ये बहुत ही अच्छा मेरा लक कह सकते हैं कि जैसे मैं आया और मेरी ट्रेन भी आ गई। अंदर से बात करूँ तो स्पेशियस है बहुत ही मेट्रो और बैठने की जगह भी बहुत ही अच्छी है, प्लस एयर कंडीशनिंग भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ये मैं नेक्स्ट स्टेशन आ गया, यहाँ से मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी भीड़ आने वाली है क्योंकि अभी यहाँ पे मेट्रो मोस्टली सब मोटेरा वाले यूज़ करने वाले, मैच देखने वाले, तो आप देख सकते हो कि अभी कितने सारे लोग ऑनबोर्ड हुए हैं। एंड अब हम रीच हो गए अपने मोटेरा स्टेडियम, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। वीडियो में आपको ये बहुत ही छोटा लग रहा होगा बट ये रियली बहुत बहुत ही ह्यूज स्टेडियम है, बहुत ही बड़ा, बहुत सारे गेट्स है इसके। अभी मैं आपको एक्सक्लूसिवली अंदर का नज़ारा बता रहा हूँ, मैं बहुत ही जल्दी आ गया हूँ, 7:30 बजे की मैच है बट मैं 5 बजे ही पहुँच गया हूँ, तो अभी पूरा खाली स्टेडियम दिख रहा होगा आपको। हमारी गुजरात पुलिस भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी जो हमारे सुरक्षा के लिए 24 आवर्स खड़ी रहती है। तो दोस्तों ये जो नज़ारा है वो बहुत ही अमेजिंग नज़ारा था क्योंकि ये हुआ है अभी 20 ओवर ख़त्म, यानी फर्स्ट इनिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद सारी की सारी जो स्टेडियम की लाइट्स थी वो बंद करवा दी एंड सबको बोला गया कि आप आपके मोबाइल की टॉर्च ओपन करो, तो ये जितनी भी आपको छोटी छोटी लाइट्स दिख रही है वो लाइट्स नहीं, लाइट्स है बेसिकली मोबाइल की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी फायर वर्क्स भी हो रहे, फायर वर्क्स बहुत ही अमेजिंग थे एंड जो लोग जितने भी एक्साइटेड थे ज़बरदस्त चिल्ला रहे थे। आपको मैं थोड़ी आवाज़ भी अभी यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर थोड़ी बहुत आ रही होगी, मैंने कम रखी है क्योंकि मेरी आवाज़ फिर आपको नहीं सुनाई देगी। सो यस बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, आप देख सकते हैं आजू बाजू में कितने लोग थे। ये संडे था एंड प्लस गुजरात एंड राजस्थान की मैच थी इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्राउड आया था, ज़बरदस्त क्राउड आया था। आई रियली एडमिट कि आप लोगों को भी एक बार मैच देखने जाना चाहिए। सो दोस्तों तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गया एंड ब्लॉग का एंडिंग भी नहीं शूट कर पाया हूँ। एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, कोई भी चार्ज नहीं लगता इसका। एंड यस ये आजू बाजू के भी वीडियो देखते रहेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।